फ्रेंड्स, हमारे स्वेन एमएल इंटरमीडिएट कोर्स में कुल मिलाकर 3 केस स्टडीज हैं। केस स्टडी 1 कंप्लीटली सॉल्व है, केस स्टडी 2 70% सॉल्व है और 30% आपको सॉल्व करना है। नोटबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमारे इस नोटबुक को कंप्लीट करने के लिए आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम लोग डील करने वाले हैं विद इम्बैलेंस्ड डेटा सेट। ये एक बहुत बड़ा और कॉमन प्रॉब्लम होता है जब आप क्लासिफिकेशन एमएल मॉडलिंग करते हो। सोचिए इसके बारे में। सपोजेडली मैंने आपको डायबिटीज का या कैंसर का डेटा सेट दिया है, जहां आपके पास 100,000 रिकॉर्ड्स है, 100,000 रिकॉर्ड्स। इस 100,000 सैंपल रिकॉर्ड्स में से अगर 99,000 रिकॉर्ड्स नेगेटिव केसेस हैं, मतलब उनको डायबिटीज नहीं है, उनको कैंसर नहीं है, या मान लीजिए 2,000 रुपीस के बैंक नोट्स के आपके पास इमेजेस है, उसमें से 99,000 बैंक नोट्स फेक नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जो फेक केसेस हैं या डायबिटिक केसेस हैं या कैंसर केसेस हैं, सो कॉल्ड एज पॉजिटिव केसेस, वो केवल 1 के हैं, राइट? टोटल कीजिए, 99 के प्लस 1 के टोटल 100,000 रिकॉर्ड्स आ गए आपको। यूजुअली क्या होता है, ऐसे अनबैलेंस्ड डेटा सेट में अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन का एमएल मॉडल ट्रेन किया तो वो बहुत बायस हो जाता है टुवर्ड्स द 99 के रिकॉर्ड्स। बट ऑब्वियसली अब प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है कि वो उस पर बायस हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपके रिजल्ट्स कैसे इम्प्रॉपर और मिसलीडिंग आ सकते हैं। सोचिए इसके ऊपर। सपोजेडली हम लोगों ने एक एमएल मॉडल बनाया क्लासिफिकेशन के लिए और वो ट्रेन हो चुका है ऐसे किस्म के डेटा पर। अब अगर आपने उसको जेन्युइनली एक पेशेंट का रिकॉर्ड दिया जो डायबिटिक है या जिसको कैंसर रियली है, और ये एमएल मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि उसको कैंसर नहीं है या वो डायबिटिक नहीं है, तो ये एमएल मॉडल की एक्यूरेसी, अगर इस एमएल मॉडल की एक्यूरेसी 99% है, क्योंकि 99% रिकॉर्ड्स तो डायबिटिक नहीं है, कैंसरस नहीं है, तो 99% की अगर एक्यूरेसी वो मेंटेन करता है तो हम अलाउ कर सकते हैं उसको कि वो 1% मिसक्लासीफाई करे। मीनिंग टू से जिस पर्सन को डायबिटीज़ है, आपने कह दिया, आपके एमएल मॉडल ने कहा उसको डायबिटीज़ नहीं है। जिस पेशेंट को कैंसर है, आपके एमएल मॉडल ने कहा उसको कैंसर है नहीं। लेकिन ये जो एमएल मॉडल बना, क्योंकि ये ऐसे डेटा पर ट्रेन हुआ था तो उसकी गलती भी नहीं है, तो 1% मिसक्लासीफाई वो कर रहा है। एंड 1% मिसक्लासिफिकेशन का मतलब हो गया 99% एक्यूरेसी। कोई भी एमएल मॉडलिंग में 99% एक्यूरेसी तो बढ़िया होती है, तो बहुत अच्छी है चीज़। सो ऐसे एमएल मॉडल से हम लोगों को मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं एंड इट कैन बी डिजास्ट्रस, क्योंकि अगर आप इसके बेसिस पर कोई मेडिकेशन लेने वाले हो या कोई डिसीजन लेने वाले हो तो दिस इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? क्लासिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन मॉडलिंग करने से पहले अगर आपके पास इम्बैलेंस्ड डेटा सेट होता है तो आप इनमें से कोई एक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आते हैं 2 मिनटों में इसके अंदर। व्हाट इज अंडर सैम्पलिंग? फर्स्ट देखिए, आपके पास 2 किस्म के कैटेगरी के क्लासेस होते हैं। एक होता है मेजॉरिटी क्लास और दूसरा होता है माइनॉरिटी क्लास। माइनॉरिटी क्लास वो है जिसकी क्वांटिटी और नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत कम होते हैं। अब मेजॉरिटी क्लास में आपके पास 99 के सैंपल्स थे, माइनॉरिटी क्लास के आपके पास 1 के सैंपल है। अंडर सैंपलिंग, ये आपने वर्ड से थोड़ा आई थिंक इंटरप्रेट किया होगा। अंडर सैम्पलिंग का मतलब मेजॉरिटी क्लास से आप एट रैंडम 1 के सैंपल निकालिए, एट रैंडम 1 के सैंपल निकालिए और इसका भी 1 के सैंपल। तो 1 के सैंपल मेजॉरिटी क्लास के, 1 के सैंपल माइनॉरिटी क्लास के, तो कुल मिलाकर आपके पास 2 के सैंपल्स हैं और इसके ऊपर आपका एमएल मॉडल ट्रेन होगा अगर आपने केवल अंडर सैम्पलिंग का अप्रोच यूज किया। पर यहां पर एक और तकलीफ खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। दूसरा प्रॉब्लम यह खड़ा हो गया कि आपने इमेंसली बहुत सारा डेटा लॉस कर बैठे हैं आप अपना। कैसे भाई? आपके पास 100,000 रिकॉर्ड्स थे, आपने उसमें से 98,000 रिकॉर्ड्स फोरगो कर दिए और आपने केवल 2 के रिकॉर्ड्स यूज किए अपने एमएल मॉडलिंग के लिए। दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन।
इससे आपका ML मॉडल का एक्यूरेसी डेफिनेटली बेटर होगा कंपेयर टू दिस 100%. और आपके टेस्टिंग के समय पर, एक्चुअल रियल टाइम वर्ल्ड डेटा के टेस्टिंग के समय पर, आपका ML मॉडल आपको मिसलीड भी नहीं करेगा जैसे वो यहां कर रहा था. ये डेफिनेटली इससे बेटर है. लेकिन यहां पर डेटा लॉस बहुत ज्यादा हो गया है. ठीक है, तो उसका ऑपोजिट तरीका क्या होगा? ऑपोजिट तरीका होगा कि आप आर्टिफिशियली कुछ रिकॉर्ड जनरेट कर लीजिए बाय यूजिंग ओवर सैम्पलिंग. मीनिंग टू से व्हाट? देखिए, 99 के रिकॉर्ड्स आपके मेजॉरिटी क्लास के हैं. मान लीजिए कि आप इसका 10% अप्रॉक्सीमेटली 10% रिकॉर्ड्स लेते हैं, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 9.9K. मैं 10K पकड़ लेता हूँ, ईजीनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग. 10K रिकॉर्ड्स आपने इसके लिए. अब हमारे पास जो माइनॉरिटी क्लास है उसके तो रिकॉर्ड्स आपके पास केवल 1K है. जो प्योर फॉर्मेट होता है ना ओवर सैम्पलिंग का, वो कहता है कि आप इस माइनॉरिटी क्लास को लेकर इसी को ओवर सैम्पलिंग, मतलब इसी के आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट कीजिए इस 1K के, सो दैट दिस बिकम्स 99K. 99K ऑफ माइनॉरिटी हो गए, 99K ऑफ मेजॉरिटी हो गए, टोटल अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रिकॉर्ड्स से ML मॉडल ट्रेन करो. वापस दोहराता हूँ, एक बार और सुन लीजिए. इस 1K रिकॉर्ड्स के आपने डुप्लीकेट कॉपीज बनाए, प्लेन डुप्लीकेट कॉपीज, तो यू मेड 98 डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ 1K रिकॉर्ड्स, तो ऑब्वियसली आपको 99K रिकॉर्ड मिल जाएंगे. लेकिन ऐसा मॉडल जो बन रहा है, इससे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही आपके ML मॉडल को, क्योंकि इफेक्टिवली 98K रिकॉर्ड इज अ कॉपी ऑफ दिस 1K रिकॉर्ड. इट इज बीन कॉपीड 98 टाइम्स, दैट्स इट. और उसके लिए 99K मिल रहा है. इससे ML मॉडल कुछ लर्न नहीं करता. इसके लिए पेयर फॉर्म ओवर सैम्पलिंग हार्डली यूज होता है, हार्डली. इससे बेटर होगा कि हम लोग मेजॉरिटी क्लास को थोड़ा सा कम करें और माइनॉरिटी क्लास को थोड़ा सा बढ़ाएं, एक काइंड ऑफ बैलेंस बीच में क्रिएट करते हैं. अगर मेजॉरिटी क्लास का मैंने 10% लिया तो 10K मिला. आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा कि आप इस 1K रिकॉर्ड्स को रेप्लीकेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं फॉर 10 टाइम्स, तो ऑब्वियसली आपको 10K मिलेगा इसका भी. सो 10K रिकॉर्ड्स माइनॉरिटी क्लास के, 10K रिकॉर्ड्स जो रैंडमली सैंपल किए गए हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी क्लास, कुल मिलाकर 20K रिकॉर्ड्स पर आप अब अपने ML मॉडल को ट्रेन करोगे और क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे. ठीक है, अब सवाल उठा कि क्या मेरे पास कोई तरीका होगा, ये जो हम बात कर रहे थे कि ओवर सैम्पलिंग में हम माइनॉरिटी क्लास को केवल कॉपी कर रहे हैं, दैट मीन्स 1K रिकॉर्ड्स हैज बीन कॉपीड 10 टाइम्स, और 10K रिकॉर्ड्स आपको मिल गया है. थोड़ा बेटर तरीका नहीं है इससे? है, बिल्कुल है. बेस्ट तरीका, बेस्ट ऑप्शन अगर हमें डील करना है विद इम्बैलेंस डेटा सेट, वो ये तरीका होता है. इट इज प्रूव्ड मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली दैट इट इज द बेस्ट. रैंडम अंडर सैम्पलिंग कीजिए मेजॉरिटी क्लास की. मतलब मेजॉरिटी क्लास में अगर आपके पास 99K रिकॉर्ड्स है, तो आप रैंडम अंडर सैंपल करोगे. अज्यूम करता हूं कि मैं इसका अप्रॉक्सीमेटली 10% रिकॉर्ड्स निकाल रहा हूं. आई एम राइटिंग अप्रॉक्सीमेटली 10K मुझे मिले. ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ सिंपली ब्लाइंड कॉपिंग करने के बजाय आप SMOTE स्मूथ टेक्निक यूज कीजिए. स्मूथ का फुल फॉर्म सुनिए ध्यान से, सिंथेटिक मेजॉरिटी ओवर सैम्पल टेक्निक. सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियली जनरेट करना. तो ये क्या करता है टेक्निक? ये टेक्निक बेसिकली KNN इंटरनली यूज करता है. वो KNN क्लासिफिकेशन एल्गो नहीं जो आपने ML मॉडल में पढ़ा है, KNN टेक्निक टाइप यूज करता है. वो फंडा क्या है? वो एट रैंडम एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी का सैंपल रिकॉर्ड लेगा. अब एक सैंपल रो उसने ले लिया. अब इस सैंपल रो के वो कुछ 5 नेबर्स बाय डिफॉल्ट फाइंड करेगा. मान लो 1, 2, 3, 4, 5 5 नेबरिंग रिकॉर्ड उसने इस मेजॉरिटी सैंपल के फाइंड किए. अभी इस रैंडम सैंपल और इन 5 रैंडम सैंपल में से किसी एक को वो चूज कर लेगा. मान लो इसको वो चूज कर लेता है, तो इन दोनों रिकॉर्ड्स के बीच में
इन दोनों के रिकॉर्ड के पैरामीटर के वैल्यूज का वो एक एवरेज निकालता है और वो मीन वैल्यू यूज करता है। तो ये रिकॉर्ड तो पहले कभी था ही नहीं, एक बार और सुननी है। उसने क्या किया, मेजॉरिटी सैंपल रो एक लिया, उसके अगल बगल के पांच रिकॉर्ड्स निकाले और उन दोनों एक इन पांच में से किसी एक को रैंडमली चूज किया और इस रैंडम सैंपल के एवरेज वैल्यू से उसने एक और रिकॉर्ड जनरेट कर लिया। तो ये क्या मिला आपको, न्यू रिकॉर्ड। सिंथेटिक क्यू, सिंथेटिक का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल, सो सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियली उसने एक नया रिकॉर्ड जनरेट किया। ऐसे वो कुछ नए रिकॉर्ड जनरेट करता है, थैंक गॉड ब्लाइंड कॉपिंग तो नहीं कर रहा, वो न्यू रिकॉर्ड जनरेट कर रहा है। अब स्मूथ टेक्निक से ओवर सैंपल कीजिए आप अपनी आई एम सॉरी ऑन दिस अपने माइनॉरिटी क्लास को। तो आपने अंडर सैंपल किया मेजॉरिटी क्लास को और ओवर सैंपल किया आपने माइनॉरिटी क्लास को। तो माइनॉरिटी क्लास को आपने ओवर सैंपल कर दिया तो अप्रॉक्सिमेटली जो 1 लाख रिकॉर्ड्स आपके पास थे उसमें से आपने सिंथेटिकली 9K रिकॉर्ड्स और जनरेट किए, तो ऑब्वियसली इन दोनों का एडिशन आपको आंसर देगा 10K रिकॉर्ड्स। आई रिपीट, 1K रिकॉर्ड्स ओरिजिनली आपके पास माइनॉरिटी क्लास में थे, 9K आपने सिंथेटिकली मतलब आर्टिफिशियली SMOTE टेक्निक जनरेट यूज करके किए, 1K ओरिजिनल, 9K सिंथेटिक, टोटल कितने हो गए जी 10K। अब 10K एंड 10K पर ML मॉडल ट्रेन कीजिए, आपको 110% बेस्ट एक्यूरेसी या बेस्ट मेट्रिक 100% आएगा। रियल टाइम में जब इस मॉडल को आप रियल टाइम डेटा पर यूज करोगे आपको कभी मिसलीडिंग आंसर्स चांसेस बहुत कम है। एक्यूरेसी जो आपको बता रही मतलब जो एक्यूरेसी हमको मिल रही है 94%, 95%, 98% वो एक्चुअली रियल टाइम डेटा से मैच भी करती है। अब जो नोटबुक हम लोग ने शेयर किया आपके साथ जिस सो कॉल्ड एज केस स्टडी 2, उसमें ये चार क्लासिफायर टेक्निक्स पर हम लोग ने अपना एनालिसिस किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नियरेस्ट नेबर्स, SVC क्लासीफायर एंड डिसीजन ट्री क्लासीफायर। इन चारों पर मैंने नोटबुक में अंडर सैम्पलिंग पूरी तरह से समझाया है, डेटा सेट रेडी कर दिया है, नेक्स्ट रैंडम अंडर सैम्पल और स्मूथ टेक्निक केवल समझाया है और मैंने एक ब्लॉग लिंक भी शेयर किया है केस स्टडी में जिसको रेफर करके आप अपने 30% बाकी का जो कोडिंग का पार्ट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर ये केस स्टडी है आपके मशीन लर्निंग इंटरमीडिएट कोर्स में, ये केस स्टडी 2 और केस स्टडी 3 असेस किया जाएगा, उसके बाद ही आपको एक ई लर्निंग सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, हमें सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।